दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने भारत के एक और वीर की कहानी लेकर। आज 7 अगस्त है और बलिदान दिवस है महान हिंदू रक्षक महाराजा जवाहर सिंह का, जो कि अजय योद्धा भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल जी के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराजा जवाहर सिंह का जन्म अजय भरतपुर रियासत के सम्राट सूरजमल जी की रानी गंगा की कोख से हुआ। महाराजा जवाहर सिंह के साहसी और पराक्रमी होने के कारण दुर्गम मोर्चों पर युद्ध के लिए उन्हें भेजा जाता था। महाराजा जवाहर सिंह युद्ध कला में इतने निपुण थे कि उनको भरतेंदु की उपाधि प्राप्त थी। इनकी रियासत के विस्तार 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश तक था। इनके अधीन उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, सीकरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, एटा, इटावा थे, तो हरियाणा का मेवात, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का कुछ हिस्सा, राजस्थान का भरतपुर, अलवर, नीमराना, धौलपुर, हिंडौन, दौसा जिले का महुआ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में मुरैना, चंबल पार का बड़ा क्षेत्र इनके अधीन था। समूचा बदावर क्षेत्र चंबल के दक्षिणी तट पर सिकरवार, दतिया, नरवर, कछावाधार, तवरधार क्षेत्र, डंडोली, खितोली के साथ ही उत्तरी मालवा का भाग, कालपी जालौन का सारा प्रदेश इनके अधीन था। महाराजा जवाहर सिंह सनातन धर्म के रक्षक थे। बादशाह जहांगीर के आगरा किले के काला पत्थर के तख्त पर इन्होंने कब्जा कर लिया। महाराजा जवाहर सिंह ने आगरा की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद को भी बाजार बना दिया था। व्यापारियों को वहां अनाज इकट्ठा कर बेचने का हुक्म दे दिया। वहां काफी खरीद फरोख्त होती थी। उन्होंने कड़े दंडों से सर्वसाधारण में मुसलमानी धर्म प्रचार करना बंद करवा दिया। अजान देने की प्रथा बिल्कुल रोक दी गई। केवल अजान देने पर एक मनुष्य की जीवा भी निकलवा दी थी। महाराजा जवाहर सिंह पूरे भारत के एकमात्र महाराजा थे जिन्होंने मुगलों की दोनों राजधानी दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। महाराजा जवाहर सिंह एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने पल्लवगढ़ और चौमुआ में अब्दाली की सेना का सामना किया और अब्दाली को भारी नुकसान पहुंचा दिया, जिसके कारण अब्दाली आगे नहीं बढ़ पाया। अपने जीवन में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और अजय रहे। उनकी धाक कुछ इस तरह की थी कि अलवर दुर्ग से मुगल किलेदार दुर्ग छोड़कर बिना लड़े ही भाग खड़े हुए थे। महाराजा सूरजमल जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए दिल्ली का किला फतह किया। इस युद्ध में उनके वीर सेनापति पांडववंशी पाखरिया कुंतल ने लाल किले के फाटक पर अपनी कुर्बानी दे दी और दिल्ली जीत के प्रतीक के रूप में उस फाटक को महाराजा जवाहर सिंह अपने साथ भरतपुर के किले भी ले आए। महाराजा जवाहर सिंह ने सभी जातियों के हिंदुओं को पुष्कर के घाटों पर स्नान का अधिकार दिलवाया। इन्होंने मुगल सेनापति और जयपुर के राजा को मंडोली और रशिया के युद्ध में पराजित। महाराजा जवाहर सिंह की मृत्यु 7 अगस्त 1768 को एक दुखद रहस्यमयी घटना में धोखे से कर दी गई। कहते हैं कि मुगल और जयपुर नरेश ने हार के बाद साजिश रची और उन्होंने हिंदू धर्म रक्षक महाराजा जवाहर सिंह की हत्या के लिए एक मुस्लिम सुजान वेव, जो महाराजा का एक सेवक था, उसको धार्मिक रूप से भड़का दिया और पैसों का लालच दे गए यह काम करवा दिया। एक वीर योद्धा का जब कोई दुष्ट सामना नहीं कर सका, तब धोखे का चाकू चलाया गया। भारत के एक ऐसे महान शासक जिन्होंने मुगलों को उनके घर में घुसकर मारा, आज उनके बलिदान पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आपके नायकों की गाथा आप तक लाने का कार्य हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जाट एकता, जय महाराजा जवाहर सिंह। पसंद आया लाइक, पसंद नहीं आया तो टेस्ट।